YouTube चैनल मोनेटाइज होने के बाद में आपको कौन कौन सी सेटिंग करनी पड़ेगी, कौन से एड्स को इनेबल करना पड़ेगा, कौन से एड्स को ऑफ करना पड़ेगा। आपका YouTube चैनल चाहे शॉर्ट्स के रिगार्डिंग है या फिर लॉन्ग्स के रिगार्डिंग है, वीडियो काफी कमाल की होने वाली है। जब आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपको एक ईमेल भेजा जाता है और उसमें लिखा रहता है कि कांग्रेचुलेशन, जो भी आपके चैनल का नाम होता है, इस तरह की मेल मिल रही है आजकल 2024 में। और वैसे कंफर्मेशन के लिए आप जा सकते हो अपने यूट्यूब की स्टूडियो में, अन ऑप्शन में वहां पर लिखा रहेगा यू आर ए यूट्यूब पार्टनर, यानी कि आप जो ना अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज आपने कर लिया है। बट मैं आपको बता दूं कि YouTube चैनल मोनेटाइज आपका तभी होगा जब आपके YouTube चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होगा, वो भी लास्ट 365 डेज में। अगर ये नहीं हो पाया तो हाफ मोनेटाइजेशन से भी आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो सकता है। उसमें आपको 500 सब्सक्राइबर, 3 पब्लिक वीडियो आपको चाहिए होगी, साथ ही साथ लास्ट 365 डेज में 3000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होगा, या फिर आप यहाँ पे 3 मिलियन व्यूज से भी आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया है, आपको कौन से सेटिंग्स को ऑन करना पड़ेगा, कौन से एड्स को ऑन करना पड़ेगा, एडसेंस में आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, एडसेंस में क्या सेटिंग करनी पड़ेगी, यही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। 2024 की ये लेटेस्ट वीडियो है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि काफी सारे लोग मिस्टेक करते हैं और गलत तरीके से फिर अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ कर लेते हैं और बाद में चलकर उनको दिक्कत आती है और फिर उनका YouTube चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब आपका YouTube चैनल मोनेटाइज होगा तो लिखा होगा वेलकम टू द YouTube पार्टनर प्रोग्राम, चैनल का नाम होगा और यहाँ पे लिखा होगा यू हैव एक्सेप्टेड इनटू द YouTube पार्टनर प्रोग्राम, ठीक है, इस तरह का मेल आएगा। अगर YouTube स्टूडियो में जाते हो तो आपको लिखा होगा यू आर ए YouTube पार्टनर प्रोग्राम, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से होगा। कॉन्टेंट में अगर आप जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी एड्स इस टाइम इनेबल नहीं है, यानी कि आपको इनेबल करने पड़ेंगे। गूगल एडसेंस में सिंपल इसी तरह से दिखता है, बट इसमें भी कुछ चेंज करने होते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जो कि आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं कि यहां पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है ये YouTube चैनल जो है मोनेटाइज जो हुआ है वो ज्यादातर इनकी शॉर्ट वीडियो वायरल हुई है। मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा, यहां पे मैं जाता हूं और यहां पे मैं क्लिक करता हूं, इनके YouTube चैनल का नाम है कुलसिप आसिफ, ठीक है। तो अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहां पे पॉपुलर वीडियोस पे मैं जाता हूं तो इतना खास इनका वीडियो पर इतना नहीं आया जितना इनका शॉर्ट्स आया। शॉर्ट सेक्शन में मैं जाता हूं तो आप जरा देखिए पॉपुलर वीडियोस इनकी यहां पे देखने 8 मिलियन 6 मिलियन इस तरह से इन पे व्यूज पे इनकी वीडियो पहुंची है, ठीक है। अभी थोड़ा सा नेट स्लो हो रहा है बट ठीक है, नीचे की तरफ जाऊंगा तो इस तरह से ये काम कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मान लिया जाए आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो चुका है, अब आपको सेटिंग क्या करनी है। पहली सेटिंग आपको अर्न के ऑप्शंस में जाना है, ओवरव्यू में जाना है। यहां पे क्या लिखा है, वॉच पेज एड्स। देखो वॉच पेज एड्स अगर यहां पे क्लिक करोगे तब भी वही बात है, अगर यहां पे क्लिक करोगे तब भी वही बात है। शॉर्ट फीड एड्स यहां पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको ओवरव्यू में लेके जाता हूं, तो यहां पे गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, टर्न ऑन पे क्लिक करना पड़ेगा और ये कंडीशंस आपको इन्होंने बताई है कि वॉच पेज मोनेटाइजेशन मॉड्यूल जो है ना वो आपको जो रेवेन्यू है 55% आपको पे करेगा और 45% यूट्यूब इसको रखता है। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, एक पैर रिव्यू योर एड डिफॉल्ट्स, ठीक है। तो ये कह रहा है YouTube सिलेक्टेड प्लेस एड फॉर ईच वीडियो, जो भी वीडियो आप पब्लिश करने वाले हो उस पर ये एड्स लगेगी। लोकेशन ऑफ एड्स जो है ना वो ये आप देख सकते हो, प्री रोल एड्स है, मिड रोल एड है, पोस्ट रोल एड है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है टाइप एड्स, नॉन स्किपेबल और स्किपेबल। एक्चुअल में इसमें हम बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं कर सकते नॉन स्किपेबल स्किपेबल पे, ठीक है। हम यहाँ पे पोस्ट रोल एड्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और प्री रोल एड्स पे भी, सिर्फ हम कर सकते हैं मिड रोल एड, वो भी दोस्तों 8 मिनट से ज्यादा की वीडियोस होगी तभी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, काफी सारे लोग फ्री स्लेटर करते हैं, ये आपको गलती नहीं करनी है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है Which video do you want to monetize? तो बिल्कुल यहाँ पे I will choose, इसका मतलब यह है कि मैं एक एक करके मैनुअली करूंगा, बट अगर all of my videos पे क्लिक करोगे, my existing video पे और monetize all पे करोगे, जितनी भी आपकी वीडियो पिछले आपने वीडियोस अपलोड करी हुई है, आज करी, कल करी, एक साल पहले करी, दो साल पहले करी, सभी पे monetize all पे क्लिक करोगे तो आपकी सारी की सारी वीडियो पे एड्स ऑन हो जाएगी। कैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कॉन्टेंट में मैं जाऊंगा तो आप यहां पे देख सकते हो इनेबल स्टार्ट हो चुका है, अपलोडिंग वीडियोस हो रहा है और यहां पे आप देख सकते हो अभी ऑफ दिखा रहा है बट थोड़ी देर के बाद में जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा ये ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे 396 वीडियोस जो है सक्सेसफुली अपडेटेड हो चुकी है और यहाँ पे जो ये दिखा रहा है ना ऑन, ये भी ऑन हो जाएगा। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे सारी की सारी वीडियो पे जो है आप यहाँ पे
ऑन हो चुके हैं, मतलब इन वीडियो पे ऑन हो चुका है। अब बात करते हैं अन ऑप्शंस में दूसरे कैटेगरीज की, यानी कि अभी हमने वॉच पेड एड्स को स्टार्ट किया, ठीक है, अभी हमने शॉर्ट फीड एड्स को नहीं किया, तो शॉर्ट फीड एड्स पे क्लिक करेंगे, टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे, तो ये कंडीशंस है, ठीक है। नीचे की तरफ जाओगे, आई एक्सेप्ट द शॉर्ट फीड टर्म्स, ठीक है, तो इसमें यही बताया गया कि शॉर्ट फीड्स पे जो है ना, जो शॉर्ट वीडियोज होती है उस पर एड्स नहीं आते हैं, आगे पीछे एड्स होती है, और जितनी भी आप मतलब काफ़ी सारे जो लोग हैं ना, जितने भी शॉर्ट क्रिएटर है और जितना भी वो पैसा कमा रहे हैं, और आपके व्यूज़ के हिसाब से आपको यहाँ पे पैसा मिलता है। इन्होंने यही बताया है कि एक पोल होता है, पोल में से फिर डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करिए, और उसके बाद आप यहाँ पे आप शॉर्ट वीडियो से भी पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे, तो यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मेंबर बचा है और सुपर्स बचा है, ये आप बाद में भी कर सकते हो, उसके डिपेंड नहीं होता है, पर ज़्यादातर जो इनकम होती है वॉच पेज एड्स और शॉर्ट फीड से होती है, ठीक है। और अगर हम दोबारा से अब इसको रिफ्रेश करने जाएंगे ओवरव्यू में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एड्स लग चुकी है, ठीक है, वॉच पेज एड्स और शॉर्ट फीड दोनों पे एड्स लग चुकी है, तो इसका मतलब जो रेवेन्यू है अब इन दोनों से आपके एडसेंस में ऐड होता रहेगा। अब काफ़ी सारे जो लोग हैं ना, एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक आज ही सुधारनी है यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद में। यहाँ पे जरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे है पब्लिशर आईडी, ठीक है, ये है कितना 93/12, ठीक है। तो आपको गूगल एडसेंस में जाना है और ये चेक कर लेना कि आपका 93/12 वही है क्या, 9312, ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे 9312, उस गूगल एडसेंस में आपको जाना है और ये चेक कर लेना कि इसकी ईमेल आईडी क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, इसकी ईमेल आईडी यूट्यूब चैनल की अलग होती है और एडसेंस की ईमेल आईडी अलग होती है, और बाद में जब कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो उनको पता ही नहीं रहता कि मेरा एडसेंस कौन से चैनल, कौन सी ईमेल आईडी पे बना था। ये बात आपको बड़े ही ध्यान से देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती है, वो आपको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन है पेमेंट का, ठीक है, ये है पेमेंट इन्फो, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, जब यूट्यूब चैनल बनाते हैं किसी का भी नाम डाल देते हैं, और वो नाम उसके बाद जब वेरीफाई करने जाते हैं तो डॉक्यूमेंट में नाम कुछ और होता है और यहाँ पे कुछ और होता है, तो आपको क्या करना है, आपको मैंने सेटिंग्स में जाके ये डेमो एड्रेस डाल रखा है, यहाँ पे जितना भी मैंने ये डाला हुआ है डेमो एड्रेस डाला हुआ है, तो यहाँ पे आपको जाके जो आपका डॉक्यूमेंट में नेम है, वोटर कार्ड आईडी में है, पैन कार्ड में, वो आपको यहाँ पे डालना है, और तब आपको अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है। नहीं तो कई कई बार ऐसा होता है, 4-4, 5-5 बार आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है और आपका यूट्यूब चैनल हो जाता है मोनेटाइज, एरर इस तरह की आती है। हालांकि अगर आपको अपना यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करना है और एडसेंस पिन के लिए भी अप्लाई करना है, तो ये वाली वीडियो मैंने बना रखी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देखिए, फिर हमारी प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस मैंने एडसेंस के ऊपर बनाई हुई है। जब ये काम आप कर लोगे, उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ चैनल का ऑप्शंस है, देखो यहाँ पे कीवर्ड्स होते हैं, तो आप यहाँ पे कीवर्ड डालिए अपने चैनल के रिगार्डिंग, जिस कैटेगरीज के आप रिगार्डिंग वीडियोस बनाते हैं वो यहाँ पे डालिए, इसने 2 ही डाले हैं, पर यहाँ पे 500 डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में तो आपको कुछ खास करना नहीं होता है, एक ऑप्शन होता है अपलोड में और यहाँ पे मोनेटाइजेशन का। यहाँ पे पहले 2023 में अलग तरह के फीचर आते थे, पर 2024 में ऑटोमेटिक कर दिया यूट्यूब ने, ठीक है, तो आपको यहाँ पे टिक होना चाहिए और सेव पे क्लिक कर देना। तो इस तरह से आप अपने एड्स को इनेबल कर सकते हैं, ऐड की सेटिंग कर सकते हैं। गूगल एडसेंस के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ और पूरा अपने YouTube चैनल को कैसे आप एड्स को इनेबल करते हैं सब कुछ बता चुका हूं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कमेंट करिए @TechIsrar लिख के, या फिर आप हमें Instagram पे मैसेज कर सकते हो। सबसे पहले आपको Instagram को फॉलो करना है, उसके बाद मैसेज करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।